जब इब्लीस सईदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करने की वजह से मलऊन ठहरा और ज़मीन पर भेजा गया तो इसने समंदर का रुख किया। सबसे पहले इसने मछली को देखा और कहने लगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया है और वह अनकरीब ज़मीन पर आएंगे और समुंदर खुश्की दोनों तरफ के जानवर का शिकार करेंगे। ये बात सुनने के बाद मछली ने जाकर समुंदर के दीगर जानवरों को ये बयान कर दिया तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मछली से बोलने की सलाहियत को छीन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जिस ख्वाब की ताबीर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है ख्वाब में मछली को देखना। ख्वाब में हम सब मछली को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं, इन सब की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ख्वाब में गर्म पानी की मछली देखना, यानी आप देखें कि गर्म पानी के अंदर मछली है तो ये सख्ती आने पर दलील करता है, कोई मुश्किल दरपेश आ सकती है। मीठे ठंडे पानी की मछली देखना नेमत के मिलने पर दलील करता है, कोई खुशी मिलेगी। ख्वाब में ढेर सारी मछलियाँ ताज़ा पकड़ना इस बात पर दलील करता है कि आपको कामयाबी के मौके मिलेंगे, किस्मत मेहरबान होने वाली है, तरक्की होने की दलील है, गैर शादीशुदा के लिए अच्छे रिश्ते मिलने की दलील है। ख्वाब में मछली को पानी से बाहर देखना, जो समुंदर या दरिया से बाहर ज़मीन पर तड़प रही हो तो यह दलील करता है कि किसी नुकसान में मुब्तला होंगे। ख्वाब में भुनी हुई या पकी हुई मछली देखना इस बात पर दलील करता है कि आपके रिस्क में इजाफा होने वाला है, रोज़गार में तरक्की मिलेगी, औलाद होने पर भी दलील करता है। ख्वाब का मुंह में से मछली निकलना, यानी कि आप देखें कि आपके मुंह से मछली निकल रही है तो ये किसी मुसीबत में मुब्तला होने की दलील है, सदका लाजमी दीजिए। ख्वाब में मछली बेचना इस बात पर दलील करता है कि आपके कारोबार में, रोज़गार में तरक्की होगी, लोग आपकी ज़ात से फ़ायदा हासिल करेंगे। ख्वाब में बहुत बड़ी मछली देखना खैर बरकत की अलामत है। ख्वाब में देखना कि दरिया में मरी हुई मछलियाँ हैं, मुर्दा हालत में हैं तो ये इस बात पर दलील करता है कि ख्वाब देखने वाले की मुराद पूरी ना होगी, इसकी ख्वाहिश पूरी ना होगी। ख्वाब में कच्ची मछली खाना जो ज़िंदा हो इस बात की तरफ इशारा है कि इसको कोई ओहदा मिलेगा या इसका मर्तबा बुलंद होगा। ख्वाब में भुनी हुई मछली खाना, तली हुई हो मछली खाना दुआओं के कबूल होने की दलील है, किसी मुकद्दस सफ़र पर जाने की भी अलामत है। यह थी हमारी आज की वीडियो ख्वाब में मछली देखने के हवाले से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।